फैंस ऑफ एचपी और शिप और आप देख रहे हैं एचपी व्लॉग्स। तो कैसे हैं बाव लोग? तो बाव लोग, फाइनली मैंने आपसे एक वादा किया था कि राजघाट को एक्सप्लोर करेंगे। एक दिन हम आए भी थे, अभी लास्ट टाइम जब दिल्ली आए थे तो जब हम लेट हो चुके थे, रात हो गई थी, इसलिए फिर सीधा घर के लिए निकल गए थे। तो आज हम आए हैं राजघाट, देख सकते हैं आप। चलिए तो राजघाट को करते हैं एक्सप्लोर और देखते हैं गांधी जी की समाधि वगैरह सब कुछ। और वो रे मम्मी और सिस्टर, चलिए तो देखते हैं यहाँ के नज़ारे। देखिए बाबा लोग, यहाँ पे कितना सुंदर है। प्लास्टिक सी है कुछ, इसमें नीचे पत्थर है। नहीं, ये भी पत्थर ही है, प्लास्टिक ना। चलिए तो अंदर चलते, यहाँ पे गांधी जी की समाधि और अंदर देखेंगे अंदर के नजारे। लोग, यहाँ हमने जूते रख दिए थे, फ्री सर्विस एट ओन रिस्क। तो बाबा लोग, गांधी जी की हमने समाधि देख ली, अब थोड़ा यहीं पे चारों ओर घूमते हैं और दूसरी जगह चलते हैं फिर। बाव लोग, अब हम ऊपर चल रहे हैं, ऊपर से देखेंगे समाधि के नजारे। मतलब उसके चारों ओर जो आपको बाउंड्री सी दिख रही थी, वहाँ पे गार्डन है चारों तरफ ही, और बहुत ही ज्यादा शांति है यहाँ पे। और कोविड की वजह से भीड़ भी नहीं है बिल्कुल भी, खाली पड़ा है, हम ही हैं यहाँ पे और वर्कर्स हैं यहाँ के। चलिए तो देखते और नजारे। लोग देखिए ऊपर पे कितना सुंदर नजारा है, चारों ओर यहाँ पे फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे ये पिंक से कलर के, उस साइड व्हाइट कलर के दिख रहे हैं,
और ये रही बीच में गांधी जी की समाधि। वो जा रही मम्मी और बहन, अभी चलिए चलते चारों ओर घूम के देखेंगे। तो बाव लोग देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है चारों ओर। अभी हम साइड में घूम रहे हैं और ये मम्मी और बहन। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, वाह, दिल बाग वाह हो गया, बहुत पीसफुली महसूस हो रहा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मतलब 10 रुपए काट लिए जाए ओवर एक्टिंग के। चलिए तो आगे चलते हैं, देखते और नजारे। तो देखे बाबा लोग कितने ब्यूटीफुल और कितने सारे यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं। और ये बीच में है गांधी जी की समाधि। हर टाइम यहाँ पे काम चलता रहता है, सफाई होती रहती है। मतलब जितने भी हम ही घूमने वाले, हमारे अलावा एक दो जना और होगा, नहीं तो सारे लेबर लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। और नज़ारा देखिए चारों ओर का, कितनी शांति है यहाँ पे। सारा चारों ओर गार्डन है। अभी हम नीचे से गए थे, इसके नीचे से यहाँ पे हमने दर्शन किए अभी गांधी जी की समाधि के। Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe. तो बाव लोग अब हम जा रहे हैं वीर भूमि, वहाँ पे देखेंगे हम राजीव गांधी जी की समाधि। और अभी हमने देखी महात्मा गांधी जी की समाधि। तो देखिए बाव लोग अब हम जा रहे हैं वीर भूमि, बिल्कुल सीधा वो जा रहे हैं मम्मी और सिस्टर। चलिए चलते हैं। तो वीर भूमि पे हम पहुंचने वाले हैं। तो बाबा लोग अभी हम वहाँ पे थे और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है वीर भूमि। देखिए उस साइड है समाधि। देखे बाबो लोग ये है राजीव गांधी जी की समाधि, पत्थर की बनी हुई है। यहाँ पे दोनों के मम्मी और बहन के पैर जल रहे हैं। देखे बाबो लोग ये रहे राजीव गांधी जी स्पीच दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो चलते हैं समाधि की तरफ। मम्मी और बहन तो छाया में जा चुके, पैर जल रहे हैं वहाँ पर। आपका भाई तो जाएगा ही, पैर जले चाहे कुछ हो आज। देखिए बाबा लोग ये है राजीव गांधी जी की समाधि। तो देखिए बाबा लोग मम्मी और बहन वहीं पे रुक गए हैं, थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की समाधि, तो मैं आपको दिखाने चलता हूँ। और यहाँ पे एक झील भी है ब्यूटीफुल छोटी सी, तो उसे भी देखेंगे। Used to be alone, but now instead I need you by my side. Can't go without one single night dreaming about you. Air that I breathe. तो देखे बाव लोग ये यहाँ पे झील, एक बहुत ही प्यारी झील है। देखे कितनी छोटी सी है पर कितनी सुंदर है। और देखे चारों ओर कितनी ज्यादा ग्रीनरी है। ग्रीनरी तो आपको पूरे यहाँ पे राजघाट पे ग्रीनरी मिलेगी, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है यहाँ पे आके। और जो अभी आपको मतलब गार्ड अंकल दिख रहे थे, अभी वो कुछ बता रहे थे यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की समाधि, तो मुझे समझ नहीं आया। वैसे वो ये कह रहे थे ये जो पत्थर है, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ कि ये पत्थर उनकी समाधि है। कुछ एमपी से ला रहे थे पर पूरा नहीं हो पाया था, और पता नहीं, चलो पूछता हूँ उनसे जाके। Doesn't mean
हाँ तो बाबा लोग, उन्होंने ये बताया कि ये जो पत्थर है ये इंदिरा गांधी जी की समाधि बनाने के लिए लाया गया था एमपी से, पर ये टूट गया था तो इस वजह से उनकी समाधि नहीं बनाई गई, ये जब से ही ऐसे रखा है। हाँ तो बाबा लोग, जो मैं बता रहा था आपको इंदिरा गांधी जी की समाधि, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि ये जो ये पत्थर रखे हैं, आपको दो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे होंगे, ये एमपी से मंगवाए गए थे इंदिरा गांधी जी की समाधि बनाने के लिए, पर ये टूट गए थे पता नहीं यहाँ पे रखने में रास्ते में, तो उस वजह से उनकी समाधि नहीं बनाई गई, पर ये पत्थर वही कहलाते हैं इंदिरा गांधी जी की समाधि। तो बाबा लोग, अब चल रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि आपको पता है दिल्ली किस लिए आते हैं, शॉप की शॉपिंग करने। तो अभी हमने मतलब तीन समाधि कवर करी, महात्मा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की और इंदिरा गांधी जी की, जो कि इनकम्प्लीट है। तो अभी बहुत सारी यहाँ समाधियाँ रह गई हैं, अभी बताना। बहादुर शास्त्री की, अटल बिहारी वाजपेयी और किसान घाट पे चौधरी चरण सिंह की। तो अभी ये सारी समाधि रह गई है, अब अगर हम कवर करेंगे तो 3-4 घंटे लग जाएंगे प्यार से, तो इसलिए चलते हैं अभी, देखते हैं वैसे कार तक जाएंगे पहले, देखते हैं अगर और कुछ भी आपको दिखा पाए। तो बहुत लोग, मैं जूते पहन रहा था तो मैं थोड़ा पीछे रह गया, भागना पड़ रहा है, भागना वैसे ही बहुत पसंद है आजकल मुझे। और इतनी ब्यूटीफुल जगह हो तो भागने का मजा भी अलग है। फाइनली तो बाबा लोग, बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, पर यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी की समाधि है, तो वहाँ पे चलते हैं एक बार वो भी देखने। देखिए बाबा लोग, ये है चौधरी चरण सिंह जी की समाधि। तो बाबा लोग, फाइनली हमने ये री, ये है किसान घाट और ये है चौधरी चरण सिंह जी की समाधि, ये भी हमने कवर कर ली। वैसे लेट हो चुके थे हम, अभी मैं बहुत तेज भाग के आया हूँ यहाँ। चलिए तो चलते हैं अब कार के पास और आगे की बातचीत करते हैं कार में बैठ के। तो बाबा लोग, मैं यहाँ पे आपको घाट की टाइमिंग दिखाता हूँ आने की। सुबह 5 बजे आ सकते हैं आप, 5 बजे से शाम के 7 बजे तक, तो सुबह सुबह तो और भी ज्यादा मजा आता होगा यहाँ, अच्छा मौसम रहता होगा। अब तो देखिए इतनी तेज धूप है, बुरा हाल हो चुका है, पसीने ही पसीने। तो बाबा लोग, यहाँ पे है पार्किंग, कार खड़ी है अपनी, यहाँ पे कार लेने चलते हैं। देखिए बाबा लोग, यहाँ की पार्किंग भी बहुत बड़ी है, आराम से बहुत सारी कारें आ सकती है, अपनी कार वो खड़ी। चलिए तो चलते हैं। तो बाबा लोग, मैं कार में बैठ चुका हूँ, मम्मी और बहन गेट के पास ही खड़ी हैं, बुरा हाल हो गया यहाँ पे, धूप में कार खड़ी थी, इतनी ज्यादा गर्मी है, स्टार्ट करते हैं। तो बाबा लोग, देखिए पार्किंग भी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, यहाँ पे आराम से कोई कार ड्राइविंग भी सीख सकता है। तो बाबा लोग, मैंने अभी कार बिल्कुल चिल्ड कर लिया, एसी अभी बंद भी कर दिया, एकदम ठंडी हो चुकी है कार, और छाया में खड़ी कर लिया। तो मम्मी और बहन अभी आ रहे हैं अंदर और बाहर कुछ सामान वामान ले रहे हैं। और हम बाबा लोग, मैं आपसे एक बात बता देता हूँ कि हम अब बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं, तो अब हमें मतलब शॉपिंग करनी होती है दिल्ली में शॉप के लिए, जो हम यहाँ पे कपड़ा खरीदने आते हैं होलसेल मार्केट में, तो उसकी वजह से हम बहुत लेट हो चुके हैं यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे पूरा घूमना हो तो कम से कम 4-5 घंटे के लिए आओ, और बहुत ही मजा आने वाला है आपको। अगर ठंड में आओगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि धूप फिर चुभती नहीं है इतनी, अब तो देखिए पसीना पसीना हो चुका है पूरा। या फिर गर्मियों में आना चाहते हो तो सुबह के टाइम आओ, क्योंकि 5 बजे से खुल जाता है, अगर आप 5 बजे आओगे तो आराम से 4-5 घंटे में प्यार से कवर कर दोगे, और मजा भी आएगा आपको, इतना अच्छा वहां पे माहौल बना हुआ रहता है, इतनी शांति रहती है और इतनी ज्यादा ग्रीनरी। चलिए तो इसी के साथ ये व्लॉग होता है यहीं पे खत्म। आपको अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को करें लाइक, और जो भी कोई चैनल पे नए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आज हमने कवर किया राजघाट, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो प्रॉमिस हमने निभाया। चलिए तो आप भी अपना प्रॉमिस निभाइए, वीडियो को करें ज्यादा से ज्यादा शेयर, और मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। ओके, बाय बाय। Okay, my look, bye. 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 And I
picture of my future painted in.